खबरों में है दम। सबसे पहले हम रेवा इंडिया न्यूज़, हम नहीं हमारी खबरें बोलती हैं। देखें कमलेश मिश्रा के साथ। जय हिंद जय भारत दोस्तों, मैं हूं कमलेश मिश्रा और आप मेरे साथ देख रहे हैं रेवा इंडिया न्यूज़। तो चलिए देखते हैं आज की यह खबर। हमारा विषय ये है कि जो हमको ट्रेन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है उससे हम संतुष्ट नहीं है। ये तो पुरानी रेल लाइन है जो हमको दी गई है, बस नैरो गेज से ब्रॉड गेज कर दिया गया है। हमारी मांग है कि मंडला से नागपुर, मंडला से रायपुर, मंडला से इंदौर, ऐसी लंबी लाइनें हमें दी जाएं जिससे हमारे यहाँ की जनता को लाभ मिल सके। ये ट्रेन तो पहले से चल रही थी जो बंद कर दी गई थी, और आज जब लोगों को पता चला कि ये संघर्ष बहुत ज़ोरों से हो गया है, हम लोगों का घेरा होना है, तो कुल मिला के ये बात आ गई सामने कि नहीं नहीं अब तो 8 तारीख को ट्रेन चालू हो रही है। अरे हमें ये झूठा लालीपाप नहीं चाहिए, हमने तो ब्रॉडगेज की मांग की है। छोटी ट्रेन तो ठीक है सुविधा के हिसाब से, परंतु हमें आज हमारे यहाँ का मरीज जाता है, नागपुर जाता है, कितना परेशान होता है। आज हमारे यहाँ के बच्चे इंदौर पढ़ने जाते हैं, आज कर्मचारी वर्ग हो चाहे जनता जनार्दन हो, सारे भोपाल अपना अपना ऑफिशियल काम लेके जाते हैं। तो क्या मंडला से भोपाल इंदौर, मंडला से नागपुर, मंडला से रायपुर ट्रेन नहीं चलना चाहिए? हमारे यहाँ की जनप्रतिनिधि की सोच ही नहीं है। अगर जिस दिन उनकी ये सोच आ जाए जनभावनाओं को लेके, तो निश्चित हमें ये सफलता मिल सकती है। और हम उनसे गुजारिश करेंगे कि जनभावनाओं की वो कद्र करें, अगर वो जनभावनाओं की कद्र नहीं करेंगे तो आने वाले समय में उनको समझ में आ जाएगा कि जनता क्या कर सकती है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, टाइप करिए www.revaindia.in। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।